हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ़ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। ये योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। इस योजना में महिलाओं को 5,000 रुपया दिया जाता है। तो ये पैसा 5,000 रुपया जो दिया जाता है किस महिला को दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। और ये योजना क्या है, इस योजना में कैसे बेनिफिट्स मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स है, 5,000 रुपया आपको कैसे मिलेगा और आपको इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना होगा, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। इसके बारे में जानने के लिए क्या है, पैसा कैसे मिलता है, सिंपली आपको अपने मोबाइल और कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और टाइप करना है KNONOANYTHINGS.IN। इतना टाइप करके आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन आ जाएगा नो एनी थिंग्स होम का। सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको गवर्नमेंट स्कीम में आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है, फाइनेंस है, तो आपको क्या करना है, नीचे आना है वेबसाइट के। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कीम मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम में आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताया गया है, तो इसे आप ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद ये पोस्ट हो सकता है कि नीचे आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं। ओके, जब ये पोस्ट ओपन होकर आ जाएगा, पोस्ट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2022 महिलाओं को मिलेगा 5,000 रुपये सीधे खाते में। तो इस योजना में 5,000 रुपये कैसे मिलेगा, किन किन महिलाओं को इसका पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला इसके लिए अप्लाई कर सकती है, पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। जैसे आप इस पोस्ट को देखेंगे, पोस्ट में ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। यहां पे इसका उद्देश्य दिया गया है, ओके, और ये योजना किसके द्वारा चलाया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट है ICDS, मतलब कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। ओके, सिंपली आप अब समझ लेते हैं कि ये योजना क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाती है ये योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 3 अलग अलग किस्तों में 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना भारत के सभी राज्यों के महिलाओं के लिए लागू है। आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि इसकी योग्यता क्या है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके योग्यता ये दिया गया है, जो भी महिला सरकारी कर्मचारी या फिर प्राइवेट कानून का लाभ ले रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या जिसने पहले इसका लाभ ले चुकी है उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि प्राइवेट संस्थान में काम करने वाली महिला अगर किसी अन्य कानून के तहत इस योजना का लाभ की सुविधा प्राप्त कर रही है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा भी इस योजना का लाभ ले सकती है और उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो भी महिला पहली बार मां बनती है उसके लिए ये योजना निकाला गया है, तो वही लोग अप्लाई कर सकती है। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसकी बेनिफिट्स के बारे में। जो भी महिला पहली बार मां बनती है उसे 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो कि किस्तों में दिया जाता है, जो इस प्रकार से मिलता है। पहली किस्त यहाँ पे जब कब दिया जाएगा, अंतिम मासिक चक्र, मतलब कि लास्ट मंथ ऑफ पीरियड के 150 दिनों के अंदर गर्भावस्था रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1,000 रुपये का सहायता राशि दिया जाता है। जब आपका मासिक चक्र, मतलब कि जो पीरियड होता है वो 150 दिनों के अंदर, उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको 1,000 रुपया उस टाइम मिल जाता है, जो कि पहले किस्त में आता है। ओके, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दूसरी किस्त के बारे में बताता हूँ। जब महिला प्रेग्नेंट होती है 6 महीना के अंदर कम से कम एक बार ANC करा लेती है तो उसके बाद उसे 2,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ओके, तीसरा किस्त कब मिलता है, जब वो बच्चे को जन्म देती है, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे 2,000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है। अगर आपका बच्चे का जन्म हुआ है और आपने उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो आपको उसी टाइम 2,000 रुपया मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस योजना के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें लगने वाला दस्तावेज कौन कौन सा है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। माता पिता का आधार कार्ड, माता का बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे दिया गया है ALMP, मतलब कि अंतिम मासिक धर्म तिथि, ठीक है, कौन सी तिथि था वो, और यहाँ पे माँ और बाल संरक्षण तिथि यहाँ पे दिया गया है AMCP का, ठीक है, तो आप इसे समझ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि आप आवेदन कैसे करेंगे।
आपको आवेदन करना है। अगर आप बिहार से हैं तो आप आवेदन करेंगे अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के, ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे नीचे दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी में भी आवेदन करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, जैसे आप नीचे के सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स दिया गया है, यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म भी डाउनलोड करके भर के अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया जहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, बस आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से भी। ठीक है, अप्लाई करने का भी प्रोसेस यही है, जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, पैसा आपका बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि पहला किस्त है, पहला किस्त का आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको पैसा 1,000 रुपया 2 से 4 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दूसरी किस्त के लिए आप करा लेते हैं तो आपको 2,000 रुपये मिल जाएगा, और तीसरी किस्त के लिए कराते हैं तो आपको उसमें भी 2,000 रुपया मिल जाएगा। टोटल इसमें आपको 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। आप इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस योजना के बारे में आपको कहीं भी कोई सवाल है तो आप वेबसाइट पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप यूट्यूब के वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको 110% की रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।